दत्ता जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कहाँ पे हो? मैं अभी तो जो है विदिशा हूँ। अच्छा, फ्री तो हो 5-10 मिनट बात करने के लिए? हाँ है ना। मैं कह रहा था कि वो आपने कही थी ना कि राजस्थान से अपन एफिडेविट ले लें, तो किस टाइप का एफिडेविट अपने को लिखवाना है उससे? नहीं क्या अपने अपन कुछ देंगे उसे लेंगे ना, अपन अपने पास जानकारी जो देखा मैंने उसके ऊपर, अपने पास तो वो जानकारी है ही नहीं। हाँ नहीं, जानकारी अपने को नहीं है तो भाई अब हो सकता कुछ जानकारी अपने पास हो, कुछ नहीं हो अपने पास। हैं जैसे भाई 11 क्वेश्चन है, 11 में से हो सकता है 1-2 प्रश्न की जानकारी अपने पास हो, बाकी की अपने पास नहीं हो, तो अपने को अपने सीनियर से लेना है। हाँ तो लेंगे तभी तो लेंगे ना उससे। हाँ अगर मान लो जैसे सोलंकी जी से आपने भी उनने की कि मेरे को भी यार 4 प्रश्न की जानकारी है, बाकी 8 की या 7 की नहीं है, तो बाकी उनके जो सीनियर है उनसे वो लेंगे इस प्रकार से। साल इसमें तो लग जाएंगे 6 महीने। बिल्कुल लग जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है। और दूसरा तो उसमें आप कह रहे थे ना कि राजस्थान से अपन ने एफिडेविट ले ले कि भाई ठीक है हम कोशिश करके 11 सवाल के पूरे जो है व्यवस्थित जवाब आपको दे। नहीं सर, हमारा कोई लेने देने का चक्कर नहीं, हमसे कोई बात नहीं होगी। हाँ नहीं आपकी तो नहीं होगी, राजस्थान की आपकी बात नहीं होगी, परंतु आप कह रहे थे ना कि उससे एफिडेविट ले ले अपन। भाई हम आपको देंगे, आप लो उससे, हमें नहीं चाहिए। मतलब क्या कि बाद में हेडेक नहीं होनी चाहिए कि भैया वो तो बहुत बदमाशी कर रहा है, उसकी जा जाने की मेरे वीडियो बना के डाल रहा है, वो सब मेरे को मेरे पास आ रही है सूचना। हाँ, तो हम हाँ, उसकी तो सही है, है ना, बिल्कुल सही डाल डालने तो सिर्फ उसके बारे में तो बात ही मत करो मेरे से, राजस्थान का नाम भी मत लो। हाँ तो उससे मैं एफिडेविट किस टाइप का ले लूँ, मतलब ये पूछ रहा था मैं आपसे। मतलब ये कि फिर इमोशनल होगा, हमें सारा पैसा प्राप्त हो गया है और हमें कोई इनसे कोई लेना देना नहीं। मतलब 11 प्रश्न के जवाब वो से लिखवा लें, 11 प्रश्न के जवाब मेरे को उससे कोई नहीं, हम ये लिख के दे रहे हैं आप सुनो, हमसे आपका कोई संबंध नहीं है ना, हमारे आपके पैसे बारे में कोई बात करोगे, हमारा आज से आपसे पर्स का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अच्छा बस इस टाइप से लिखवा ले अपन, है ना। हाँ तो लो, नहीं तो फिर क्या मतलब, फिर वो परेशान करेगा, अपन लिख के परेशान करेगा आपको। सही समझ रहे, परेशान करे तो भाई देखो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं उसके साथ मेरे यहाँ उसके किसी कैंडिडेट नहीं आना, नहीं तो 2-4 बिल्कुल 100% डेड बॉडी नहीं जाएगी, लाश जाएगी, जिंदा कोई नहीं जाएगा। नहीं कोशिश तो भाई साहब मेरी यही है कि किसी को लाने लौनी में। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, वो उसने जो है कम से कम 5-7 यूट्यूब पे मेरे वो डाल रखे हैं कि ये चोर है इसको मारो पैसा मिल जाएगा तमाम। मैं मेरे को राजस्थान से आए, वो मैंने पूरी जानकारी ले ली मैंने, वो उसने डाले हैं, तो ठीक है अब वो जो उसे करना है वो कर ले, और मेरे सामने आ गया तो मैं क्या भले ही जेल चला जाऊंगा लेकिन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सही हाँ, अब तो हम इस पर तैयार हैं कि जिसे जिसको जैसे निपटना हो वहां पर छुट कैसे निपट ली। हाँ खैर है ये, वो तो सही है, कहाँ तक क्यों करे, परेशान सभी हो गए, ये बात सही है। जैसे निपटना हो वैसे निपट ले, आदमी आगे आमने सामने लट से निपटना है, लट से बंदूक से निपटना है, जैसे निपटना है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कानूनी कार्रवाई करना है, जाओ थाने में रिपोर्ट करो। पर भाई साहब एक बात है, बात ये है कि जैसे पहले अगर कंपनी के हाथ में काम रहता है तो कंपनी का काम बिल्कुल व्यवस्थित था, अपन ने देखा है। पर ये जैसे जो है सरकारी हाथों में काम गया ना, सारा काम व्यवस्थित तरीके, एक भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा, सब परेशान हो रहे हैं, आप हम सब ऊपर से नीचे तक सब परेशान हो रहे हैं। आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में क्या स्थिति, तुम्हें जीपीएफ में करवाना होता है तो कितने महीने जाते हैं जब तक पैसे नहीं देते, जब तक जीपीएफ नहीं निकलते। नहीं निकलते, बिल्कुल सही है, वो ही स्थिति है, अब क्या करोगे। नहीं तो मेरा यही निवेदन था कि ये साले सेबी और जो लोड़ा कमेटी है ये तो कोई ढंग से काम नहीं कर रहे लोगों, ये अगर ढंग से काम करते नहीं तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। भैया अब रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट का जज है, कौन सब कुछ कौन जाते हो आप, पत्र तो जवाब आ रहा है, आप वहाँ जाके लड़ सकते नहीं है, उदम कर नहीं सकते, गाली नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो मेरा खाली मेरा ये निवेदन है कि आप जैसे सीनियर लोग जैसे दिल्ली में मीटिंग में जैसे कंपनी पहले मीटिंग होती तो आप लोग जाते थे, तो आप में से कई लोगों के कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों का होगा, तो मेरा निवेदन थोड़ा ये था
कि आप सब जो है टॉप टॉप सीनियर जो है एक मीटिंग करें और मैनेजमेंट से इस प्रकार से करवाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील के माध्यम से ये करवाए कि साहब ये इतना टाइम हो गया है लोढ़ा कमेटी और सेबी कुछ भी नहीं कर पा रही है, कम से कम कंपनी को ये सारा प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार दे ताकि कंपनी बेचते जाए और रिकॉर्ड उपलब्ध करा के आपको देती जाए ताकि आपके निगरानी में पेमेंट हो जाए। तो क्या पेमेंट व्यवस्थित हो जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को, लेकिन थोड़ा सा टॉप सीनियरों को मिलकर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। चलो अभी तो अब सारा बाकी सुप्रीम कोर्ट की सारी बैठ के स्थित है, ये किसी इमरजेंसी केस के अलावा कोई ले नहीं रहे अभी तो। हाँ नहीं ले रहे बाकी। चलो इस बारे में बात मैंने शुरू कर दी है, इस बारे में बात शुरू कर दी मैंने, आपको बताया क्योंकि क्योंकि अपन कैसे भी करते हैं अपन मैनेजमेंट को मनाना पड़ेगा, अपन टॉप सीनियरों को और मैनेजमेंट को ही मना करके अपने को ये करना पड़ेगा कि आप ही इस चीज को हाथ में लो आप ही, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी भी वो फटाफट बिकवा देंगे, ये कमेटी वाले बेच नहीं पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट के ऊपर अपन थोड़ा सा उनको मनाओ, प्रेशर नहीं अपन उनको मनाओ बिठाओ कि भाई हम सब लोगों के साथ ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है, ऊपर से तो सब लोग परेशान है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी भी है सब कुछ भी है, तो वो जीरो चैनल वाला यही तो कर रहा है कि 21-22 के मैनेजमेंट पे इसी प्रकार से घेरने कोशिश कर रहा है। नहीं देखो आप देखो, मेरी बात सुनो, अभी कार्रवाई तो रोज कम से कम करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी जो बिक गई थी वो वापस हो रही है। हाँ हो रही ना, बिल्कुल। अभी सोनू निगम ने जो 18 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, हाँ उस सारा नामांतरण नाम तो कुछ नहीं, वापस से भी ने जब्त कर ली। हाँ कर लिया ना, आया था पेपर में भी आया था। तो वो देखो जो जो जानकारी मिलती जा रही है कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई तो हो रही है। हाँ पर वो क्या है कि जानकारी में आ रही तो कार्रवाई हो रही है, नहीं आ रही तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अब जानकारी तो धीरे धीरे ही मालूम पड़ रही लोगों को। हाँ तो जानकारी जब इसकी जानकारी जो मिल रही है लगे हुए हैं तो जो जानकारी मिलती है वो मैडम को तो वो होती है। आप जानकारी पूरे भारत फैली है, जमीन वो कौन कौन कहाँ कहाँ देते हैं। परंतु क्या है कि जैसे मैनेजमेंट को अगर अपन आप लोग मना लोगे तो मैनेजमेंट को तो सारी जानकारी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है तो उसके बारे में उसके बारे में ये बाबी के आना जाना शुरू हो जान दो, कोरोना वायरस के चक्कर में अभी तो ट्रेनें भी बंद हो गई, ट्रेनें यहाँ से तो सारी सिस्टम बंद हो रहे हैं। इधर फोन से चर्चा जो होती है ना, तो आप ये चीज अपने और जो सीनियर लोग हैं चन्नी जी वगैरह हैं और भी जो आप पूरी इंडिया से जो सीनियर लोग हैं इनके जो आपकी चर्चा होती है फोन पे, तो इनके इसमें ये चीज नॉलेज में आप लाइए और ये मैटर उठाइए और मैनेजमेंट को राजी कीजिए, और मैनेजमेंट एक बार राजी हो जाए ना भाई साहब तो अपनी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। चलो इसके बारे में चर्चा शुरू कर दी है। हाँ ये चीज करो आप, सबसे मेन चीज ठीक है ना। हाँ ठीक 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 और एक मैटर ये भी उठवाना थोड़ा सा।